जय हिंद। आप सभी एक्स सर्विसमैन का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निकली 500 असिस्टेंट्स की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग कंपनी है और इसमें 500 असिस्टेंट्स की भर्ती निकली हुई है। अब दोस्तों, एक चीज आपको और बता देता हूं कि इस भर्ती में एक्स सर्विसमैन के साथ साथ ऐसे एक्स सर्विसमैन जो कि शहीद हो चुके हैं और उनके डिपेंडेंट, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनके डॉटर हो, सन हो, या फिर कोई क्लोज रिलेशन वाला भी अगर है तो वो भी इस भर्ती में एक्स सर्विसमैन का फायदा उठा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके एप्लीकेशंस लिए जाने लगे हैं। कब से? 24 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ये दोस्तों 11 नवंबर 2024 तक खुले रहेंगे। मतलब 24 अक्टूबर 2024 से 11 नवंबर 2024 तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्री एग्जाम दोस्तों होगा, जिसके लिए इन्होंने फेस वन बोला है। तो फेस वन एग्जाम होगा आपका 30 नवंबर 2024 के लिए और फाइनल यानी कि मेन एग्जाम होगा 28 दिसंबर 2024 के लिए। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं स्टेट वाइज वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के लिए दोस्तों 2 वैकेंसी हैं। केवल एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज की मैं बात करूंगा, बाकी सबको मैंने छोड़ दिया है। एक्स सर्विसमैन की आंध्र प्रदेश में 2 वैकेंसी है और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आसाम में 2 वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसीज हैं एक्स सर्विसमैन की और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है, ओके। इसी प्रकार दोस्तों बिहार में 2 और 1 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है, गुजरात में दोस्तों 3 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है, हरियाणा में दोस्तों 3 वैकेंसीज हैं एक्स सर्विसमैन की, 1 वैकेंसी है डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की या फिर डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन की, झारखंड में दोस्तों 1 वैकेंसी है डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की, उसके बाद में कर्नाटका में 3-3 वैकेंसीज हैं दोनों के लिए, केरला में डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी हैं, मध्य प्रदेश में 3 और 1 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 6 वैकेंसीज हैं एक्स सर्विसमैन के लिए और 2 वैकेंसीज हैं डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन के लिए। इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा में 3 और 1 वैकेंसी है, नागालैंड में 1 वैकेंसी है, पंजाब में 4 और 1 वैकेंसी है, तमिलनाडु में 6 और 2 वैकेंसीज हैं और तेलंगाना में 1 वैकेंसी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 5 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए हैं और 3 वैकेंसीज डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, उत्तराखंड में 1 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए है, वेस्ट बंगाल में 4-4 वैकेंसीज दोनों के लिए हैं और दिल्ली में दोस्तों 6 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन या डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वैकेंसीज दी गई हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आपके दिमाग में शायद ये आया हो कि हम जिस स्टेट के रहने वाले हैं उसी स्टेट के लिए हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ की आपको जो रीजनल लैंग्वेज है वो आनी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों दोनों एग्जाम के बाद में जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनके लिए रीजनल लैंग्वेज में एक छोटा सा मॉक इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं और एज लिमिट की बात करते हैं। दोस्तों 21 से 30 साल नॉर्मल कैंडिडेट्स की एज ली जा रही है, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए जो छूट मिलती है एज में वो यहाँ पर दी जाएगी। तो एक्स सर्विसमैन की जो मैक्सिमम एज है वो 45 साल से कम होनी चाहिए और आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, ओके। चलिए नोट फॉर एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि इस प्रकार है कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब ले चुका है तो उसके लिए एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो एज रिलैक्सेशन उसको मिलती रहेगी। मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं, नॉर्मल कैंडिडेट से आपको फाइट करनी होगी, लेकिन आपको जो मेरिट में एक्स सर्विसमैन का कोटा है उसका जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ऐसे एक्स सर्विसमैन जिन्होंने इस जॉब को ज्वाइन करने से पहले, सॉरी जिस भी जॉब में वो हैं ऑलरेडी, उस जॉब को ज्वाइन करने से पहले जितनी भी जॉब में अप्लाई किया है
तो उन जॉब में अगर उनकी नौकरी लगती है तो वो जो है वहां पर उसका जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं और इस भर्ती में भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर दोस्तों ग्रेजुएशन आपसे मांगा जा रहा है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, केवल आप ग्रेजुएशन हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में ये नहीं दिया गया है कि एक्स सर्विसमैन आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो उसको मैं एक बार इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक करूंगा। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको कमेंट्स में पिंड करके बता दूंगा कि भाई अगर आप आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी आपके पास में है तो भी आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो इसका मुझे लगता है आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है एक्स सर्विसमैन का, लेकिन मैं डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन कौन कौन माने जाएंगे उनके बारे में आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। तो ऐसे एक्स सर्विसमैन दोस्तों जो कि अपनी सर्विस के दौरान डिसेबल्ड हुए हैं अगेंस्ट एनिमी, ठीक है, किसी भी ऑपरेशन के टाइम पे अगर आप इंजर्ड हुए हैं और आप डिसेबल्ड हैं तो आपके लिए जो है वो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का कोटा दिया जाएगा। ओके, चलिए। डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, तो कोई भी एक्स सर्विसमैन का जो डिपेंडेंट है, चाहे सन, डॉटर, वाइफ या फिर कोई नियर रिलेशन में, तो वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए दोस्तों क्या करना होगा, एक रिटन में सर्टिफिकेट देना होगा कि भाई हम इनकी फैमिली के लिए जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अब कौन है ऐसे डिपेंडेंट उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों किसी भी ऑपरेशन में अगर आप के जो भी सर्विसमैन थे, जो भी शहीद हुए हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कुछ का यहाँ पर नाम दिया गया है, जैसे नागालैंड, मिजोरम में सर्विस करते हुए जो टेररिस्ट हैं या फिर जो नक्सलवादी एरियाज हैं उनमें सर्विस करते हुए अगर आपके सर जो भी हैं शहीद हुए हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी, बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और हम बात कर लेते हैं टेरिटोरियल आर्मी की। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी से भी रिटायर हैं तब भी आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 15 नवंबर 1986 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक लेटर जारी हुआ था जिसमें एक्स सर्विसमैन की कोटा टेरिटोरियल आर्मी के लिए भी देने का फैसला लिया गया था। ओके दोस्तों आगे चलते हैं और हम बात कर लेते हैं अब सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो आपके दो टेस्ट होंगे, प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम। तो हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा वो आपका 100 नंबर का होगा, टाइम 60 मिनट होंगे और मार्क्स होंगे आपके 60। ठीक है, जिसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। मेन एग्जाम दोस्तों आपका 120 मिनट का होगा, यानी कि 2 घंटे का, जिसमें दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन होंगे टेस्ट ऑफ रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, 40 क्वेश्चन होंगे आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर नॉलेज के भी 40 40 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार दोस्तों 200 नंबर के 200 क्वेश्चन होंगे आपको, जिसके लिए टाइम दिया जाएगा 120 मिनट। ओके, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर इस नोटिफिकेशन में बचा है तो आपको बता देते हैं। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और इस भर्ती में अप्लाई करते हैं तो आपसे ओनली 100 रुपये का जो है वो एक ऑनलाइन फीस ली जाएगी, जिसके लिए इंटीमेशन चार्ज बोला जाएगा। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट से 850 रुपये लिए जा रहे हैं, एक्स सर्विसमैन से ओनली 100 रुपीज। हाउ टू अप्लाई, तो दोस्तों 24 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।